हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक छोटा सा झटपट सा क्विक से बहुत ही जल्दी और रिफ्रेश हो जाएंगे आप लोग, इस तरह का एक होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। क्योंकि अच्छा समर चल रहा है और हम लोग टीनेजर के कोई भी या मेल फीमेल कोई भी हम लोग बाहर जाते हैं तो हम लोग को टैनिंग वगैरह हो जाती है, थोड़ा सा डल हो जाता है। कितना भी आप प्रोटेक्शन लें या प्रोटेक्ट करें आप फेस को या बॉडी को, तो बहुत ही ज़्यादा डल हो जाता है। स्किन एकदम झुलसी हुई सी नज़र आने लगती है। अगर ना भी हो तो भी हल्की फुल्की टैनिंग तो हो ही जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। इसकी होम रेमेडी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप ज़रूर इस होम रेमेडी को आप ट्राई कीजिए और बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। और आपको इसको बनाने कुछ बनाना भी नहीं है, बस छोटा हल्का फुल्की जो चीज़ें आपके पास हैं उसमें आपको बना लेना है और इसको ट्राई कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि इसको कैसे इसको आपको लगाना है और किस तरह से आपको इसको अप्लाई करना है अपनी लाइफ में और इस समर्स में। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। और आपकी स्किन आप देखेंगे हेल्दी भी होगी, ग्लोइंग भी होगी, आपकी स्किन टाइट भी बनी रहेगी और आपकी जो दाग धब्बे होंगे वो भी आपके इससे कम हो जाएंगे, आपकी स्किन एकदम फ्लॉलेस नज़र आएगी। चलिए फ्रेंड्स, बहुत हो गया इंट्रो, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको ये सब बनाना है। चलिए फ्रेंड्स, देख लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए मेरे फेस कैसे डल डल सा लग रहा है। और मैं जो ये क्लीन अप करूँगी, ये बहुत ही अच्छा क्लीन अप है। आप कहीं से बाहर से आते हैं और आपका फेस बहुत डल रहता है और स्किन एकदम बेकार बेजान सी रहती है, क्योंकि अभी समर्स का टाइम चल रहा है और समर्स में बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बहुत ही गर्म, वेदर बहुत गर्म हो रहा है। तो इस वजह से आप अगर आप टीनेजर हैं, आप कोई भी एज ग्रुप के हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हो। डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा है। और इसको इसमें इसके लिए हमें सिर्फ एलोवेरा चाहिए। देखिए मैं सिर्फ एलोवेरा ले रही हूँ, देखिए फ्रेश एलोवेरा लेना है इसके लिए। बहुत ही अच्छा होता है ये समर्स के लिए, वो स्पेशली बहुत ही बढ़िया काम करता है एलोवेरा। तो इसको मैं सरे से दो काट लूँगी। ये देखिए मैंने काट लिया है, ये देखिए। और इस पे मैं बेसन लगा रही हूँ। कहीं से भी आए आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा बेजान है, अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी स्किन एकदम डल है, तो इससे आप मिनट्स के लिए इस तरह से मसाज कर लेंगे। 10 मिनट्स करेंगे ना तो एकदम चेहरा आपका खिल जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। ऐसा आप करके जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा होता है ये। जैसे ही ये सूख जाए तो फिर आप जैसे अच्छे से मिक्स हो जाए फिर से आप ले लीजिए बेसन को। एलोवेरा आपके पास फ्रेश ही होना चाहिए। एलोवेरा आजकल तो सभी लोग एलोवेरा का पौधा लगाते ही हैं और इसको तो आपको अप्लाई करना ही चाहिए। हमारे से तो बहुत ही बेस्ट तरीका होता है ये। टेन मिनट्स मैं ऐसे ही कर लूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने 10 मिनट्स ऐसे ही लगा के रख लिया है। अब 10 मिनट्स के लिए आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। 10 मिनट्स बाद आप उसको सूख जाने दीजिए, फिर उसके बाद आप ये वॉश कर लीजिए और फिर उसके बाद फिर मैं बताऊँगी फिर आपको क्या करना है। 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दीजिए अच्छे से मसाज करके। तो देखिए मैंने फेस वॉश कर लिया है, थोड़ा सा बस वॉश करके आ गई हूँ मैं पानी के साथ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना फेस। अब क्या करूँगी मैं, ये मेरा होममेड रोज वाटर है, ये देखिए ये मैंने घर पे बनाया है। अगर आप चाहें तो मैं इसको आपको सिखा दूँगी, अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो।
और इसमें एक बाउल में मैं डाल दूंगी। और मेरे पास एसेंशियल ऑयल पड़ा है, ये ऑरेंज एसेंशियल ऑयल है, मैं इसको भी डाल दे रही हूँ। सिर्फ दो बूंदी डालूंगी, इससे ज़्यादा नहीं डालूंगी। सिर्फ दो बूंद डाला है मैंने एसेंशियल ऑयल। और कुछ आपको कॉटन के पैड वगैरह आपको बना लेने हैं इस तरह से, ये मैंने काट लिया। अगर आपके पास टिश्यू पेपर है तो आप उसका भी काट सकते हो, या टिश्यू पेपर को भी आप लगा सकते हो। मैं इस तरह से इसमें डिप करूंगी और अपने फेस पर 10 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी। अगर आप चाहें तो इसमें आपके पास एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो कि आप टमाटो का जूस डाल सकते हैं, आप उसको छान कर ही जूस डालना, और सिर्फ जूस ही आना चाहिए। या फिर आप कुकम्बर जूस ले सकते हो, आप लेमन ले सकते हो, आपको जो पसंद है आप वो फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास ऑरेंज एसेंशियल ऑयल नहीं है और ऑरेंज ही चाहिए आपको, तो आप क्या कीजिए कि ऑरेंज तो आजकल बहुत ही मिल रहे हैं, समर्स में बहुत अच्छा आता है, तो आप उसका भी जूस इसमें ऐड कर सकते हो। इस तरह से आपको ये पट्टी टाइप में आपको लगा लेना है, ऐसे ही स्क्वीज करते जाइए और इसको अच्छे से इस तरह से निचोड़ लीजिए। आपके पास रुमाल है तो रुमाल से भी, आप नहीं काटना चाहते तो रुमाल को, पतला सा रुमाल जो रहता है या फिर टिश्यू पेपर रहता है, आप वो भी आप इसमें ऐसे लगा सकते हैं। और इस तरह से मैं लगाती जा रही हूँ, बहुत ही रिफ्रेश हो जाता है इससे फेस, एकदम बहुत ही अच्छा लगता है। कहीं से बाहर से आए और इस तरह की चीज कर लें आप, तो देखिए थोड़ी मेहनत है लेकिन आपका फेस एकदम शाइनी और ग्लो हो आ जाएगा। आप कोई भी एज ग्रुप के हों या फिर आप मेल हैं फीमेल हैं कोई भी हो, आप इसको ट्राई कर सकते हो। और इसको एक बार ट्राई करके जरूर देखिए कितना अच्छा रिफ्रेश हो जाएगा आपका फेस। और ये अगर ये रोज़ वाटर आपको कम हो रहा है तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो, आप मार्केट का भी ले सकते हो। अगर आपके पास आपको बनाना नहीं आता है तो आप मार्केट का भी ले सकते हैं। अगर आपको सीखना है बनाना तो आप मुझे कमेंट करके बताइए तो मैं आपको ये बता दूंगी बनाना भी इस तरह से। मैं अप्लाई करती जा रही हूँ, देखिए आराम से इजीली आपको ये चिपक जाएगा। मैं ऐसे चिपका लेती हूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने इस तरह से लगा लिया है, अब मैं जब तक ये सूखने का वेट करूंगी 10 मिनट और इसको अच्छे से सुखा लूंगी और फिर मैं इसको हटा लूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आप इसको हटा लीजिए। देखिए हटा के मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए कितना रिफ्रेश, एकदम बहुत ही अच्छा लगेगा आपको इसको लगाने के बाद। और एकदम थकान जो होगी आपके फेस पर, जितना भी डर्ट होगी सब कुछ एकदम क्लीन हो जाएगा फेस। इसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा के आपको थोड़ी देर इस तरह से छोड़ दीजिएगा। मैं ऐसे ही लगा के अभी 10 मिनट्स रखती हूँ, फिर मैं रिमूव कर लूँगी इसको, हटा लूँगी। आप भी हटा लीजिएगा, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देख लिया है कि इसको किस तरह से लगाना है, किस तरह बनाना है, और बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा मोटा सा, छोटी सी बस क्विक सी हो जाता है ये, और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है इसका। और आपने खुद भी देख ही लेंगे, आपको कि देख ही लिया है कि आपको कितना अच्छा लगा है ये, मैंने जब लगाया कितना अच्छा लग रहा था मेरा फेस और कितना ग्लो आ गया था। तो आप भी इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, प्लीज़ लाइक करके ही जाइएगा मेरे वीडियो को। हटाने के बाद आप प्लीज़ पहले लाइक कर जरूर कीजिएगा, और जो लोग नए आए हैं तो वो सब्सक्राइब कीजिए, और जो पहले जो हमारे मुझे फॉलो कर रहे हैं मेरे चैनल को तो वो उनको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। सब्सक्राइब करते हैं तो कलर चेंज हो जाता है डियर, और क्या होता है कि
फिर बेल आइकन आता है, बेल आइकन को आप प्रेस करेंगे तो मेरे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी उसकी। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइए कि बार बार आपको सब्सक्राइब करना है, नहीं। अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल को देख रहे हैं पहली बार, तो आपको सब्सक्राइब करना है, तब वो रेड रहता है, और जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो चेंज हो जाता है कलर। तो इसलिए इस तरह से कीजिए, और आपको मैंने बता दिया है तो, और ये बहुत ही आसान है और ये बिल्कुल फ्री होता है, आपका कुछ भी पैसे नहीं लगेंगे। और जो भी मैं बता रही हूँ, जो भी बता रही हूँ, लगा रही हूँ, और आप लोग इस चीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिए, बेस्ट से बेस्ट आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और फ्रेंड्स, और ये आप शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए फ्रेंड्स, बाय।